दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल बिहार टीवी पर स्वागत है। देश के विभिन्न राज्यों में कुछ दिनों से उपद्रव हो रहा है। इस कारण एहतियातन नालंदा पुलिस ने मंगलवार को शहर में फ्लैग मार्च किया। एसपी ने फ्लैग मार्च कर उपद्रवियों में दहशत व नागरिकों को सुरक्षा का एहसास कराया। एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि शहर में आपसी सौहार्द कायम रहे, इसी मंशा से समय समय पर पुलिस नागरिकों में सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए फ्लैग मार्च करती है। साथ ही बदमाशों को संदेश जाता है कि गड़बड़ी करने पर वो बख्शे नहीं जाएंगे। सौहार्द से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नालंदा के लोग अमन पसंद हैं। कुछ स्वार्थी तत्व के लोग स्वार्थ साधने के लिए अफवाह फैलाकर उपद्रव करते हैं। ऐसे अफवाहबाजों पर पुलिस की नजर है। सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कार्रवाई होगी। फ्लैग मार्च में ट्रैफिक डीएसपी अरुण कुमार सिंह, डीसीएलआर प्रभात कुमार, सीओ धर्मेंद्र पंडित, बिहार थाना अध्यक्ष संतोष कुमार, दीपनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद, लहरी थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार, सोसराय थाना अध्यक्ष मुन्ना कुमार समेत अन्य पदाधिकारी और पुलिस कर्मी शामिल थे। फ्लैग मार्च आपने देखा है, उद्देश्य ये है कि संदेश पहुँचाया जाए कि जिला प्रशासन और पुलिस का कार्य जो है वो शांति बनाए रखना है और असामाजिक तत्वों को जो है वो सचेत करने का कार्य है। हम लोग यही कोशिश में है कि शहर में शांति बनी रहे, तो हाथ बना रहे सब मिलकर। फ्लैग मार्च में ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है, व्यवस्था संधारित है और शहर में शांति है, इसलिए फ्लैग मार्च किया गया है। गाँव कहाँ से निकला सर? आप तो रास्ते में कहीं आधा शहर से जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।